वैक्सीन करवाया तो देखो कुछ पेंट कटे गए, कुछ रखे गए, जिसको वो नवी और मंजूरी नहीं हो सकती। लेकिन मैं सर्वे करवाया कुछ पिंडा का, सारे का जो बकाया रहा दूसरी 40 पिंड रहा मेरे हल्के, और अगर हुकूमत ने गैस दिखी नवी कोई मंजूरी ली तो इंशाला दुहानवी हिस्सा जरूर लगेगा, और ना लगे तो मैं झूठ नहीं बोलना फिर माजरत, क्योंकि हम गैस है कोई ना, हम हुकूमत की पॉलिसी कोई गैस देने की, गैस की लोड शेडिंग की होती है, गैस किसी देखो सी एन जी बंद हो जाए, क्योंकि हम गैस बाहर के मुल्क इंपोर्ट पे करते अपने मुल्क, लेकिन अगर हुकूमत जो मंजूरी देनी शुरू की थी जे मियां वाली वजीर आजम अपने हल्के दी तो असं भी ले लवेंगे। पिछे रह गई तुसा गल की जादे आलिया बस अगे मैं मजाक च गल करता रहना, मैं पता है मैं कोई शिकवा नहीं, लेकिन मैंने फकर नाल मैं आख सकता कि जो मैं जादे पहले मेरी वोटा को आया ना इलेक्शन जीत के मैं आया, हालांकि मैं इतों का रे सर लेकिन इलेक्शन मैं जीत गया तो मैं डेरे डेरे से बिजली अपड़ाई थी, और मैं किसी तो नहीं पूछा कि भाई तू वोट किसनों दिते, मैं अजे भी जानना अद्धे मेरे मुखालफ आने जिन्होंने बिजली दिखी ये मैं कोई इस तो नहीं, मैं कई बंद आ दिया इतने रवाज कोई नहीं, इतने मुखालफ बंदे का रवाज काम करना इन भी है जिन्हें तौबा नाउज बिल्ला लांद लत्ता करने वाली गल, और इतने नहीं किया जाता, और वह पॉलिसियां उन्होंने सियासतदाना कामयाब भी रहा कि वह द्वार बिड़ा ताकि तुम दो त्रै ग्रुप बने रहो, कट्टे दुआडे विकने, मझी दुआडिया विकनिया, बच्चिया दुआडिया नहीं पढ़ना, सियासियां तो फायदा होंगे तुम बिड़े रहो, लेकिन मैं तो कोशिश की है भाई इस इलाके सुलह हो, जे इन्हें पिछले 15 साल मेरे तो इलावा साडे खानदान तो इलावा किसी किसी सुलह भी कराई है तो मैं गल करा, इतने बिड़ाया पिया असा कोशिश की है इस इलाके की सियासत तब्दील हो गए, और वो सियासत केड़ी आई कि लोगों नौकरियां भी लभन, पता हो बने कि भर्ती भी होती है, गरीब लोग भी भर्ती हो सकते हैं, लोगों बिजलियां लभन, गैसा लभन, सड़क लभन, और अल्लाह की मेहरबानी असा दिती है जेडे वे सियासी बनने उन्होंने अपने लोग भी गैस लाई भी मैं चलाई भी मैं, और जिस टाइम उन्होंने वो अपने लोगों जिन्हें गैस लवा सकते उन्होंने दूजे का की करना है, हां जरकान आलिया इटा बड़िया दिखाई ना क्योंकि ठेकेदार आप आ जेडे आप ठेकेदार हो जिन्हें आप भट्ठे हिस्सेदारी हो फिर इटा के अलावा कुछ नहीं करते पैसे बड़े बचने और उन्होंने रच के लाए। होल्ड रह गई गल कि बिजलियां मैं पता है जे कोई रहा मुस्तफा मैं तेन आख्या चाक के ना मंगी कर जेड़ी मैं लभी मैं इंशाला तुम आप फोन करके पूछना बपजिता साहब दसो कोई साढ़े इलाके च काम है ए मैं लभ मैं कभी नहीं आख्या वा हूं बंदा मंगते ही रहे या टुर टुर के लित्रो त्रुट जान तो मोरो का काम करो मैं जिस टाइम लभे हुकूमत देवे और मैं हूं इलेक्शन रहा मैं बड़िया बंदा सियाणिया पिछड़ा तो तू क्यों सड़दा फिर दुख सुकून लाएगा इतने रे कदी नू आया आपे पंजा साल बाद आ भी ना कोई रेंज हो सिया अगे राज मैं रूमी पे आखे जी दूजिया ना आख्या सी ना कोई नहीं रेंज होते थोड़े का बंदे रेंज बड़े होंगे मैं आख्या वो इस तो रेंज होंगे कि वह वे दिन गरीब आदमी मलूटे बंदे का काम हों चौधरी बंजी गाज के बैठे रहते चौधरी को ना तो जाता वह जाए गरीब बंदा तो पहले तो वह सारे मुस्तफा पुजुत जहाँ नहीं होंगे ना राणा अकबर जहाँ होंगे तो ना शरीफ आदमी होर होंगे चौधरी आदर पहलो आप लत्ता भट्ठे का वट देने हूं किलन आए भी खाट हूं तेरे ना करसान तेरा जातक भर्ती करा साल तो उसको पूंजी तक बढ़ाते रहते जातक भर्ती करने के नारे तो या उस जमाने का जब खंभा होया फिर कोल जिस टाइम आ जाना मैं उन्होंने पूरी अपने जा जाकर चिट लाया इस तो अक्सरियत चौधरी मेरे वो रेंज होंगे जिन्हों हूं बाजरे को नहीं बढ़ता इस गर्मी या ज्वार को नहीं बढ़ता वो भाई मैं किवें बजे रखा पहलो मेरे को बेरे या पिंड मको बंदा आवे तो मैं आखा जा फलाने का पहलो रुका लाया उन्होंने टोर टोर के मारा मैं तो कभी नहीं पूछा अब तू मैंने वोट दिते नहीं या नहीं दिते लेकिन मैं ना क्योंकि अल्लाह की रजा तो बगैर बंदा थोड़े आंदा नहीं ये मौला आप करता है बंदे ये मेरा ईमान है जिस टाइम थोड़े को बंदा आंदा है वह अल्लाह की रजा पिछे मौला आप गलता है तो जी अल्लाह का गले आ बंदा तो मैं चौधरी हाल गलदा सफेद कोश हाल गलता रहा हूं मैं अल्लाह से जवाब दे कोई ना हो उसमें हूं तो मैं उन्होंने बंदे जवाब दे उसमें
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਦਮ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਦਮ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਚ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਔਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦੇ ਪੜਦੇ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਚੂਲੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ ਕੇ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਪੜਦੇ ਰਹੋ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਚ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਆਏਗੀ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਈ ਹੋ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭੱਠੇ ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਲੱਭਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਈਜਨ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਜੂ ਹੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬਿਜਲੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਸਿਰ ਦੋ ਖੰਭੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੰਭੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਨਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓ ਵੀ ਲਵਾ ਦੱਸਾਂ, ਲਵਾ ਦੱਸਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।